गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को फिर एक बार मैं वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बस मेरे पौधे के कुछ ही कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ एंड आई होप कि आपको पसंद आए। ये फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं ये अडेनियम है और ये डबल पेटल्स के हैं और काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट ये एक हिबिस्कस है और ये येलो कलर का है डबल पेटल्स का, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी खासियत ये है कि ये दो दिन तक ऐसे ही रह जाते हैं, इसके जो फ्लावर है ये जल्दी मुरझाते नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा है कि सुबह खिलते हैं और इवनिंग को ही मुरझा जाते हैं, बट ये दो दिन स्टे करते हैं। जब मैं नर्सरी में गई थी और मुझे पता चला, वो नर्सरी वाले भैया ने बताया था ऐसा, तो मैं सच में इसको देखने के लिए लेके आई थी कि सच में ऐसा है कि नहीं। और जब मैंने देखा, जब फर्स्ट टाइम इसमें ब्लूमिंग हुआ, तो मैंने देखा कि हाँ सच में ये दो दिन तक स्टे कर जाते हैं। और ये है मेरे अजवाइन के पौधे और साथ में ये कुंद का पौधा। वैसे कुंद के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये अजवाइन भी काफ़ी इजी टू ग्रो है, इसको कटिंग से आप कहीं पे भी लगा लीजिए, ऐसे ही इसको छोड़ भी दीजिए थोड़ा सा मिट्टी में तो भी ये ग्रो कर जाते हैं। ये रहा डबल पेटल्स का एडेनियम। एडेनियम मेरे पास करीब 7 से 8 पौधा है, बट इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक। अगर आपको वीडियो देखना है इसके ऊपर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी ने बोला, मतलब आप में से कोई अगर कहेगा, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। इसके साथ साथ मैं और भी एक बहुत ही स्पेशल सा एक हिबिस्कस और दिखाऊंगी जो गिफ्टेड था। एक्चुअली मुझे मेरे कलीग ने गिफ्ट किया था, तो बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखिए, इसका जो रेड है ना, ये बहुत ही डिफरेंट सा रेड है। नॉर्मली जो रेड हिबिस्कस बोलने से हम लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ जो कॉमन सा रेड हिबिस्कस है, वैसा नहीं। इसका कलर इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये कुछ गुलदाउदी के कटिंग्स हैं। और ये हिबिस्कस थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं कटिंग से कुछ और भी रेडी कर लूँगी। ये फ्रेंड्स कोलियस के पौधे जो कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसे तो आप बिल्कुल पहचानते होंगे, ये रेन लिली का फ्लावर है और इसे सीज़न के लिए बेस्ट पौधा है मॉनसून के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप ज़रूर लगाइए। और ये नेक्स्ट है स्थल कमल का पौधा। स्थल कमल है बट सिंगल पेटल्स का है। ऐसे तो दो आते हैं, एक सिंगल पेटल्स का, एक डबल पेटल्स का, बट ये सिंगल है। अगर आप ध्यान से इसके पत्ते को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो बहुत लोग इसे हिबिस्कस समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। और इसके ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाने वाली हूँ और बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। इसके भी फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और ये है वाइट हिबिस्कस का पौधा मेरा। ये सारे सिंगल पेटल्स के जो हिबिस्कस होते हैं, ये बहुत बहुत सारे एक साथ में खिलते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉर्चुला का। पॉर्चुला का काफ़ी खूबसूरत पौधे में से एक है गर्मी के सीज़न के लिए, और ये सीजनल है, बस गर्मी के टाइम में ही इसके फ्लावर खिलते हैं। अब देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है इसके कलर। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट जो है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट आप में से अगर किसी को भी पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं एक्चुअली एक जगह पे गई थी कुछ साल डेढ़ साल पहले, और वहाँ पे मैंने देखा कि रोड साइड पे इसको बॉर्डर बना के लगाया गया था, तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे। इसके फ्लावर जो हैं वो येलो कलर की और सनफ्लावर जैसे छोटे 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 सनफ्लावर मैं इसको बोलती हूँ, तो सनफ्लावर के जैसे ही फूल है इसका, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट ये है प्रिंसेस फ्लावर और बेगम बहार कुछ नाम है हिंदी में, तो इसके भी फूल बहुत ही खूबसूरत है। ये इसके अभी काफ़ी सारे वैरायटी मिलने लगे हैं नर्सरी में। ये मुझे 60 रुपीज़ का मिला था नर्सरी से,
और शायद ये जो कलर के हैं तो इसी का दाम थोड़ा सा कम है, और बाकी जो एक ब्लू कलर के शेड में आते हैं उसका दाम करीब 150 के आसपास बोला था, ये मुझसे 60 रुपीज़ लिया था, तो ये भी है मेरे कलेक्शन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं रेन लिली के साथ ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए इन्फॉर्मेशन और नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए।